एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं वीडियो देख रही थी भैया जी का, जगत भैया का, सचिन भाई का। सच में मुझे देख के बहुत हंसी आ रही, बहुत हैरान भी हूँ। मतलब क्या भैया जी, आपने कसम खा ली है हम जैसी ऑडियंस को, रिएक्शन चैनल वालों को, इस सबको पागल बनाने की? क्योंकि बेवकूफ़ तो आप और दीदी जी पहले से ही बनाते आ रहे थे, शायद अब पागल भी घोषित ही कर दिया आज के वीडियो में कि मंजुलिका की आत्म आ गई है, कभी भी कुछ भी बोले जाते हो। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दे के सोचिए कि आप क्या कुछ बोलते हो, कभी भी कुछ भी, और फिर अपनी बात से मुकर रहे हो ऑन कैमरा, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस बात को, और झूठा किसको बना दिया? रिएक्शन चैनल वालों को पागल बना दिया रिएक्शन चैनल वालों की, मंजुलिका आत्म आ गई है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपने नहीं बोला था क्या? मतलब सारे कारनामे आपके, बोलो भी आप, सब कुछ आप, और सबका जो घड़ा है वो फोड़ो रिएक्शन चैनल वालों के सर पे कि वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी। आज का वीडियो देखो भैया जी का, कितना बड़ा झूठ पकड़ा गया है। अब क्या बोला इनके लिए कि सच क्या है, झूठ क्या है? जब तो गुस्से में जगत दीदी के कपड़े उतार दिए, अब बेचारे हुए उनका इज्जत ढकने में लगे हैं, इमेज ठीक करने में, लीपा पोती करने में, कोई फायदा नहीं है। सब समझ आ रहा है और सब पकड़ भी आ रहा है। हरकतें सुधार लो वरना बहुत भारी भी पड़ सकता है। बात करूंगी आज के इसी वीडियो में कि भैया जी ने क्या ऑन कैमरा झूठ बोला, और उसका जो भी भांडा है, जो भी सब कुछ, वो फोड़ दिया रिएक्शन चैनल वालों के सर पर। तो सबसे पहले, तो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर जो भी न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और जो भी चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले तो मैं जो मेन पॉइंट है उसी पर बात करती हूँ। आप लोग गौर करिएगा, मतलब भैया जी ने आज वीडियो में बोला था, सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा तो आप कुछ भी बोले जा रहे हो कि ऐसे होटल में मिले, ऐसे की वो किया। मतलब बहुत सारी अफवाहें भी चली थी कि दीदी प्रेग्नेंट है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ हुआ था। तो कि कुछ मैंने तो मतलब टच भी नहीं किया है, ये भी मतलब पहले ही बात तो इनका समझ ही नहीं आता कि इनका दिमाग क्या चल रहा है और ये बोल क्या रहे हैं, टच नहीं किया है। और ये जो लैब आकर बैठ के आराम से, और ऐसे ऐसे करके हमको बताया जा रहा था, आपको याद हो तो, कि हमारा रिश्ता सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक का नहीं था, हमारा रिश्ता उससे भी बहुत लेवल तक पहुंच चुका था। सिर्फ हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, हमारा उससे भी बहुत ऊंचा था। वो कौन था फिर? वो कोई और इंसान था, और अभी ये कुछ कोई और था जो आज वीडियो में बोल रहा कि मैंने वो टच भी नहीं किया। मतलब पागल कौन है, आप या फिर हम सुनने वाले? जिसने भी सुना हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर कोई रिएक्शन चैनल वाला कुछ बोल दे तो फिर वो झूठा हो गया, वो पागल हो गया, उसमें मंजुलिका की आत्मा आ गई है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया है कि आप क्या बोल रहे हो? अभी भैया जी भी आज वीडियो में बोल रहे थे कि मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, जो नहीं बोलना था, जो नहीं था वो भी बोल दिया। तो वो ये तो बहुत ज़्यादा घटिया बात हुई कि जो नहीं भी था वो भी बोल दिया। अब आपके कहने से जो आपने बोल दिया वो वापस नहीं आएगा। जब किसी की इज्जत उतर गई वो वापस से नहीं आएगी। किसी का नाम खराब हो गया, एक बार इज्जत जाती है, बार वापस नहीं आती। तो गुस्से में कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, इतना अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, और आप इतने समझदार हो। पहले तो कुछ भी बोल दिया है, अब झूठा ऑडियंस को ही बना दिया, अब आप उस पर लीपा पोती करने आए हो, अब जगत दीदी की इमेज को ये ठीक करना चाहते हैं, अब उस पर ये लीपा पोती, चिकनी चिकनी चुपड़ी बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका झूठ एक बार नहीं बहुत बार पकड़ा गया है। आप चाहे आप कितना भी सच बोले ना, वो झूठ ही लगेगा, क्योंकि आप हरकतें ही ऐसे करते हो, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी। जो सरिता दीदी बोल रही थी कि जो सचिन का वीडियो आता था तो मैं तो ये देखती रह जाती थी, हाँ
ऐसा कब बोला, ऐसा क्यों? तो ये वाला हरकत है इनका, मुझे सच में हंसी भी आ रही थी। मैंने मनीषा का भी वीडियो देखा, देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो भी अभी बहुत सारी परेशानी से जूझ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको कि मैं क्या करूँ, कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ। जैसे कि मिस्टर राज तो मूवी देखने गए थे, बीवी घर पर अकेली थी, परेशान थी, इसलिए वीडियो बना रही थी कि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकूं, जो मुझे कोई समझ सके। अब हम किसी को बांध के नहीं रख सकते, किसी को प्यार करना होगा खुद आएगा। मतलब वो लड़की बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, बहुत कुछ कहना चाह रही थी, बट रुक जाती है, उसकी जुबान पर शब्द आते आते रुक जाती है मजबूरी, क्योंकि वो आज भी अपने ससुराल की, अपने परिवार की, आज भी उस पति की इज्जत को साथ लेकर चल रही है, आज भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती, इतना कुछ हो जाने के बाद भी नहीं बोलती। है कोई ऐसी बीवी इतना कुछ हो जाने के बाद भी? और वहाँ भाई साहब चले गए अकेले मूवी देखने। अगर आपको अपनी बीवी के साथ टाइम बिताना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, मूवी देखने जाना था तो उसको साथ लेकर जाते, दोनों लोग साथ में जाते, उसके साथ देखते, अच्छा लगता, वो भी खुश होती, उसको भी तुम्हारे साथ रहने का टाइम मिलता, मौका मिलता। लेकिन नहीं, भैया जी के दिमाग में अभी क्या खिचड़ी पक रही है, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे दीदी जी के बारे में, धीरे 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 करके वो पटरी पर, वो लाइन पर आ रहे हैं कि कैसे जो कुछ मैंने बोल दिया वो कैसे वो वापस हो, कैसे सब कुछ ठीक हो। क्यों क्यों करना है अब? अब क्यों करना है? करने से पहले नहीं सोचा था। अब सब कुछ धीरे 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 समझ आ रहा है या नहीं आ रहा कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है? लेकिन बीवी के लिए का दो शब्द नहीं बोले जाते हैं, उसके बारे में कुछ भी, उसके केयर करते हुए, उसकी ध्यान करते हुए कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इनका दिमाग कभी भी वहीं पर अटका हुआ है कि सामने वाला तो लाइफ में बहुत आसानी से आगे बढ़ गया, सब कुछ नॉर्मल कर लिया, सब कुछ वो कर लिया, हर चीज़ से दिक्कत प्रॉब्लम, फिर ऑडियंस झूठी है, फिर से रिएक्शन। आप मौका ही क्यों देते हो, आप मौका ही क्यों देते हो वीडियो बनाने का, बोलने का? आप कोई ना कोई बात ऐसा, मुद्दा ऐसा छोड़ देते हो, फिर रिएक्शन चैनल वाले तो बोलेंगे इस पर। आप करते ही क्यों हैं ऐसी बातें? आप खुद शांत नहीं हो रहे और फिर रिएक्शन चैनल वालों को कैसे शांत कर सकते हो आप? अभी इतना बड़ा झूठ खुद आपने अपने मुंह से कबूल लिया, वहाँ बोला कि हमारा रिश्ता ऐसा था और वहाँ बोल रहे हैं कि हमने तो टच भी नहीं किया। क्या क्या समझे हम, कौन सी बात को सच समझे? हम ही पागल हैं या फिर आप पागल हो? शायद मेरे को लगता है कि हम लोग पागल हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना? बट इतने भी नहीं है कि हर बात पर विश्वास कर लें। आपने कुछ दिन बोला हाँ है तो है, आज बोला ना तो ना। अब हम तो जो पहले बोला था है वो है ही मानते हैं। जब आप एक डेढ़ साल से रह रहे थे तो हमको नहीं लगता कि आप इतने भी अच्छे हो। अच्छे होते तो आज अपनी बीवी के साथ होते, आपको इधर उधर मुंह मारने की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं। जगत दीदी का भी वीडियो देखा, बहुत हंस रही थी, खिलखिला रही थी, उनकी दोस्त मिलने के लिए आई थी, काफ़ी नॉर्मल थी, सब कुछ अच्छा था, चलो अच्छा ही रहे। कोई दिक्कत यह है कि कोई लाइफ में आगे बढ़ रहा है फिर भी दिक्कत होती है कि अरे ये तो बड़ी जल्दी भूल गया, और कोई रो रहा है तो अरे ये से तो बस रोना धोना ही, रो रो के व्यूज कमाल पर, और फिर कोई हंस के आ गया तो मतलब हर तरह से कुछ भी करो, दुनिया तो बोलती है, कल भी बोलती थी, आज भी बोलती है और बोलेगी, जो आपको ठीक लगे वो करिए, बट थोड़ा सा सोच समझ के, कुछ भी का मतलब कुछ भी ना करिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जगत दीदी और जगत भैया सुमित महल के ऊपर आने वाला है, तो अभी का मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।